वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने हर रोज रात को अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके गोरे होने की रफ्तार, आपके स्किन टोन जो है ब्राइट होने की जो स्पीड है वो एकदम तेज हो जाएगी। जी दोस्तों, इसे आपने हर रोज यूज करना है। हर रोज रात को सोने से पहले अगर आप इस टोनर को, इस पैक को और जो मैं आपको एक ड्रिंक बता रही हूँ, इन तीनों को अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपकी स्किन इंटरनल और बाहर से भी बहुत अच्छी तरह से प्योरीफाई हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और स्किन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको पैक बताए हैं, फेस पैक बताए हैं, फेस मास्क बताए हैं, वो या तो एक दिन स्किप करके यूज करने होते हैं या फिर वीक में 2 से 3 बार यूज करने हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं उपाय बता रही हूँ ये आपको हर रोज करना है। हर रोज करने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लीन, सॉफ्ट, स्मूथ और स्किन पे होने वाले पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, एक्जिमा ये सब खत्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं कैसे हमने इसे बनाना है और कैसे यूज करना है। तो गाइज, इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वो आपके किचन में अवेलेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक टोनर जो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट होगा और आपने इसे हर रोज यूज करना है। तो गाइज, इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए खैर का पेड़। जी दोस्तों, खैर के पेड़ में से हमने जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट बाहर का नहीं, अंदर का जो गीला, जो उसकी गीली छाल होती है, हमने वो लेनी है और उसको हमने लेकर सुखा लेना है और उसका एक पाउडर तैयार करना है। वैसे ही हमने नीम का पेड़ लेना है, उसकी भी छाल लेनी है, उसे भी हमने सुखा कर उसका भी हमने पाउडर तैयार करना है। अब हमने दोनों की 10-10 ग्राम दोनों की छाल लेनी है और एक नींबू का आपने लेना है छिलका। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें और 1.5 गिलास पानी में इन्हें धीमी आंच पे अच्छी तरह से बॉइल कर लीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए तो आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, इसे छान लीजिए और इससे आप हर रोज अपना फेस वॉश करें। दोस्तों, इससे हर रोज फेस वॉश करने से आपके चेहरे पे अगर एक्जिमा हो गया है, पिगमेंटेशन है, टैन है, सन बर्न है, ये सभी प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाएंगे और चेहरा भी निखरना शुरू हो जाएगा। बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है, इसे यूज करना बेहद ईजी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही नेचुरल है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसका पैक भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है और इस टोनर को आपने मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करना है, इसे आपने हर रोज यूज करना है। इससे आपके चेहरे की रंगत निखरना शुरू हो जाएगी और चेहरे को ठंडक भी मिलेगी। तो गाइज, अब बारी आती है ड्रिंक की। जी दोस्तों, एक ऐसी ड्रिंक जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी, आपकी सुंदरता को इंटरनल निखारेगी। तो गाइज, इसे बनाने के लिए अगेन आपने क्या करना है, 5 ग्राम उस छाल का लेना है जो हमने खैर की छाल ली है और 5 ग्राम हमने नीम की छाल का पाउडर लेना है। दोनों को 5-5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में बॉइल करना है। जब ये आधा रह जाए इसे छान लीजिए और इसे पीजिए। वीक में 2 बार इसे जरूर पिए। इससे आपकी बॉडी अंदर से प्योरीफाई हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, चेहरे के जो एक्ने पिंपल्स हैं, चेहरे पे छाइयां हैं और साथ साथ अगर आपके हैं ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, तो दोस्तों इसे आप इंटरनल से प्योरीफाई कर सकते हैं। इंटरनल से ये आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और एक्जिमा का जिन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। दोस्तों, ट्राई करके जरूर देखिएगा, मेरे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसे ट्राई करें, यूज करें। इसके रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि जिनको सबसे ज्यादा एक्ने, पिंपल्स, प्रोन स्किन है और एक्जिमा का प्रॉब्लम है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और दोस्तों, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए और आप वीडियो को स्किप ना कर पाए। तो गाइस, मिलते हैं अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।